देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेवसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मरियाऊ तहसील के अंतर्गत मुकुंदपुर गांव में सरदार सेना का कार्यक्रम हुआ, जिसमें गांव के लोगों ने उनके विचारों को सुनने का कार्य किया। सरदार सेना एक अराजनैतिक संगठन है जो सरदार पटेल की विचारधारा से चलने का कार्य करती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरएस पटेल रहे, साथ में महासचिव आरसी पटेल, ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप यादव, जिलाध्यक्ष सुधीर वर्मा, गुलाब विश्वकर्मा, अरविंद पटेल, डॉक्टर रमाशंकर पटेल, संकेत यादव, अच्छे लाल यादव, सुनील पटेल और सरदार सेना के तमाम साथी उपस्थित रहे। उनको पता है यदि हम दलितों का अधिकार छीनते हैं तो दलित समाज इतना जागरूक है, बाबा कांतीराम ने इतना जगाया है कि वो लोग अपने अधिकारों के प्रति रोड पे आने का काम करते हैं। लेकिन हमारा ओबीसी समाज तो गुलाम समाज है साहब, वो अपने अधिकारों के प्रति कभी जागता नहीं, चाहे उनको इधर से मारिए चाहे उधर से मारिए कोई बोलने वाला। नमस्कार, खबर सेवनसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष आज आपको लेकर चलते हैं जौनपुर मरियाहू तहसील के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है मुकुंदपुर, और इस मुकुंदपुर ग्राम सभा में आज सरदार सेना का एक कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे साथ में इस सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरएस पटेल जी हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि आपका जो है संगठन लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में तेज़ी से अग्रसर हो रहा है, तो आप आने वाले में जो अगला समय है संगठन को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं? धन्यवाद पत्रकार साथी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे जो कुछ ईमानदार आप जैसे पत्रकार बचे हैं उन्हीं के कारण ये लोकतंत्र बची है। बाकी तो सब गोदी मीडिया हो गए हैं, उन गोदी मीडिया से अपने को कोई बात नहीं करना। आपने क्वेश्चन किया है कि अब ये जो आपका संगठन यानी सरदार सेना जो तेज़ी से चल रहा है आगे क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम सामाजिक संगठन हैं, आगे कुछ करने वाले नहीं हैं। एक एक गांव को आगे भी और अनंत समय तक एक एक आदमी को हम जगाएंगे, संविधानवादी बनाएंगे, मानववादी बनाएंगे, ब्राह्मणवादी से बचाएंगे, ब्राह्मणवाद को भगाएंगे, यही करने वाले हैं जी। बिल्कुल, मतलब आपका एक जो एक तरह से संगठन है, एक एकदम गरीब तबके का जो है उसको आपको ऊपर उठाना है, जो उसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही उसको आपको पहुंचाना है, तो इस और क्या तरीका अपनाते हैं? धन्यवाद। तो सबसे पहले क्लियर हो जाए कि देखिए, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, जिला अध्यक्ष सरदार सेना के, राष्ट्रीय सचिव सरदार सेना के आरसी पटेल जी, अरविंद भाई और आदरणीय सर लोग, ये जो सैकड़ों और हजारों की संख्या में आपको तादाद दिख रही है, ये लोग निकले हैं तीन काम करने। पहला संविधानवादी बनने, मानववादी बनने, और जमीन से लेकर सत्ता तक जो हक अधिकार हमारा है उस हक अधिकार को जो मनवादी छीन रहा है उनसे छीनने निकले हैं। इनको ट्रेनिंग देने निकले हैं, इनको कैडराइज करने निकले हैं, इनको जगाने निकले हैं कि करके सामाजिक क्रांति के धारा के माध्यम से दूसरी आज़ादी की दूसरी लड़ाई खड़ा करेंगे और इस देश में मनवादी सत्ता, योगी की सत्ता को, मनवादी व्यवस्था को तख्ता पलट करने ये सरदार सेना क्रांतिकारी साथी निकले हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी बिल्कुल। आइए, हमारे साथ में इस मरियाहू जो है मणियाहू ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी भी हमारे साथ में लाल प्रताप यादव जी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आप इस सरदार सेना के संगठन में जुड़े हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा ये लग रहा है कि ये सेना दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठा रही है और उनके हक के लिए, और ख़ास तौर से जो हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, हमें मूलधारा से अलग थलग किया जा रहा है, इसके लिए लड़ रही है। और इसके लिए हम पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नागरिकों से आह्वान करेंगे कि साथ आएँ और एक मजबूती के साथ अपने हक के लिए लड़ाई के लिए लड़ें और जागें, लड़ें जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खबर सेवनसी न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, मुकुंदपुर जौनपुर।